अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ढेर सारी सेहत की दुआओं के साथ हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फ़याज़ आपसे मुखातिब है। आज बात करेंगे मुझजनी के हवाले से। जो लोग मुझजनी मुठ लगाते हैं उनको जो कमज़ोरी हो जाती है उसके हवाले से मेरा एक बेहतरीन आर्टिकल है, बेहतरीन मेरी वीडियो है, बड़ा अच्छा नुस्खा है, मेरा जमुदा नुस्खा है। आप इसको बनाएं, बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा नुस्खा है। वीडियो की जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जिनसी तलीम, मर्दाना ताकत और ब्यूटी टिप्स के हवाले से वीडियोस मिलती रहें। और घंटी के निशान को जोर दे के प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आते हैं वीडियो की जानब। मैं बताता चलूँ कि जिन हजरात ने मुझजनी की है, मुठ लगाई है, तो मुठ से काफ़ी नुकसान होते हैं, आसाब की कमजोरी होती है, नफ्स में ढीलापन आ जाता है, इत्तेबा की कमी आ जाती, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, कुत्ते बाह में कमी आ जाती है। क्योंकि मादा तौली जो है इंसानी जिस्म में 2 से 3 ml डेली मकदार में बनता है, जो इसका वॉल्यूम है, जो डेली जो ये बनता है, ये 2 से 3 ml होता है। जब इससे ज़्यादा इसको डिस्चार्ज करेंगे गैर फितरी तरीक़ों से तो फिर कमज़ोरी आती है। तो मुठ से क्या होता है, जो नफ्स की शरियाने होती हैं, जो बारीक रगें होती हैं, वो दब जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। जब उनमें ब्लॉकेज आती है तो नस में ढीलापन आ जाता है, उसमें ढीलापन आता है, उसमें टेढ़ापन आ जाता है और नफ्स में सख्ती नहीं रहती। उसके हवाले से हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है। मुझजनी का एक बेहतरीन कोर्स करवाया जाता है। तो अभी जो मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये भी बड़ा अफेक्टेड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें 5 चीज़ें दरकार होंगी। रेग माई लेनी है आपने खालस 2 तोला, अकरकरा 2 तोला, जायफल 2 तोला, जड़पान 2 तोला। ये तमाम चीज़ें आपने बराबर वजन 2-2 तोला ले लेनी, और साथ मौसी सफ़ैद भी 2 तोला ले लेनी। तो इसकी तरकीब तैयारी और इस्तेमाल तमाम अशिया का आपने सफूफ कर लेना है, किसी ग्राइंडर में डाल के तमाम को मिक्स करके यकजान कर लें। तो 500 मिलीग्राम के आपने कैप्सूल डाल लेने हैं। एक कैप्सूल आपने सुबह लेना है खाली पेट दूध के साथ, और एक कैप्सूल आपने रात को सोते वक्त लेना है। तो इससे इंशाल्लाह जो असाब की कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, अमसाक नहीं आता, उसके लिए बेहतरीन है। मादा तौलिया भी बनेगा, कमज़ोरी दूर होगी। अगर आप हमसे तैयार करवाना चाहते हैं तो हम आपको तैयार भी करके देंगे, और हम पूरी दुनिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बताता चलूं, जो रेगमाई या करकरा जायफल है ये मार्केट में 2 नंबर काफ़ी मिल रहे हैं। तो इसकी असल पहचान के लिए मेरी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, umulshifa.com, UMMULSHIFA.com। तो उस पर आपको पहचान के लिए रेगमाई की तस्वीरें, अकरकरा का मिजाज, अकरकरा की तस्वीरें, उसकी पहचान का तरीका, खालिस कौन सी होती है, तो ये सारी मालूम आपको मिल जाएगी। तो बाकी कोई भी तिब्बी मशवरा के लिए आप अपनी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन हजरात को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले, मैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकूँ, मैं और लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जजाकल्ला।